रेलिवेंट टेक न्यूज़ के एक नए और फ्रेश एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्नो प्रशांत पे। और मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे दोस्तों। और आज आपके लिए लेके आया हूँ टेक न्यूज़ का एक नया और फ्रेश एपिसोड। तो चलिए फटाफट से टेक न्यूज़ के एपिसोड शुरू कर लेते हैं दोस्तों। उसके पहले बता दो, अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं या फिर नए हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बगल में लगे बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो रोजाना देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो दोस्तों वही पहली पहली खबर की बात करते हैं। जो पहली खबर निकल के आ रही है दोस्तों वो नोकिया की तरफ से है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि नोकिया का जो 3.2 है उसमें एंड्रॉयड 10 का अपडेट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं अभी जो नोकिया का 4.2 और 2.2 है उसके लिए हमको जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। एंड्रॉयड 10 का जो कि अपडेट वो रोल आउट कर दिया गया नोकिया के द्वारा। तो एक अच्छी खबर है, नोकिया के जो फ़ोन्स होते हैं इसे सबसे अच्छे इसीलिए माने जाते हैं कि जो नोकिया में अपडेट हमेशा आपको मिलते रहते हैं, चाहे वो फ़ोन कितने भी पुराने आपके हो जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं इस खबर में, इतना ही बढ़ते हैं दूसरी टेक न्यूज़ की तरफ। दूसरी खबर की बात करते हैं तो जो दूसरी खबर निकल गई ओप्पो की तरफ से है, 13 अप्रैल को वो फास्ट वायरलेस चार्जर लॉन्च कर सकता है। ओप्पो जो ओप्पो का रेनो 3S2 ओप्पो का रेनो S2 लॉन्च होने वाला है, उसी के साथ में ये जो वायरलेस चार्जर हैं ये भी लॉन्च हो सकते हैं। ये 40 वॉट की एयरवुक चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे ये चार्जर। अब देखते हैं जो ये 40 वाट की चार्जिंग का होता है जो भी फंडा, क्या फंडा है और कितने प्राइस में लॉन्च होता है और क्या होता है, अब 13 अप्रैल को ही पता चलेगा जैसे ही लॉन्च होता है। और इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो बैक साइड में इसमें 9 वोल्ट 2 एम्पियर यानी कि 18 वाट, 5 वोल्ट 6 एम्पियर यानी कि 30 वाट और 10 वोल्ट 6.5 एम्पियर यानी कि 65 वाट का आउटपुट आपको दिया गया है। इसे मैक्सिमम पावर आउटपुट इसमें 40 वाट का ही दिया गया है। लेकिन अगर आप इन डिस्प्ले दोस्तों अगर एक USB इन करके अगर चार्ज करते हैं तो आपको 65 वाट का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। जो यही ओप्पो का आने वाला है एक वायरलेस चार्जर, इसी में आपको 40 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों तीसरी टेक न्यूज़ की बात करते हैं, निकल के आ रही है दोस्तों रियलमी की तरफ से। जो रियलमी का C3 है वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट हो गया है, ये जल्दी लॉन्च हो सकता है। इस फ़ोन का नाम रियलमी X3 सुपर जूम एडिशन हो सकता है। ये पावरफुल कैमरे के साथ में लॉन्च हो सकता है और साथ ही एक 5G फ़ोन होगा जो कि स्नैपड्रैगन के 765G प्रोसेसर के साथ में दोस्तों आ सकता है। अब देखते हैं जो इसका मॉडल नंबर लिस्ट हुआ है RMX2086 करके मॉडल नंबर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फ़ोन में हमको जो भी कैमरा देखने के लिए मिलेगा एक 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे का सेटअप हमको देखने के लिए मिल सकता है और साथ ही 765G प्रोसेसर के साथ में दोस्तों ये फ़ोन हमको देखने के लिए मिल सकता है रियलमी की तरफ से। तो देखते हैं ये फ़ोन रियलमी X3 जो है वो कब तक आता है और अपने साथ में और क्या क्या लेके आता है और किस कीमत पे आता है, इंडिया में आता है कि नहीं आता है। जैसे ही कोई खबर आती है रियल मी की तरफ से तो मैं आपको अपने चैनल पे सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा दोस्तों। दोस्तों वहीं पे बात करते हैं चौथी टेक न्यूज़ की, निकल के आ रही है हुआवे की तरफ से। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हुआवे का पॉपअप कैमरे वाला TV लॉन्च होने वाला है जो कि लॉन्च हो गया है, जिसमें 14 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। स्मार्ट TV है, 65 इंच के OLED डिस्प्ले के साथ में ये TV आता है और साथ ही इसकी जो कीमत है तकरीबन 2,70,000 रुपये रखी गई है इसी TV की। HDR10 को सपोर्ट करती है TV और साथ ही जो इसकी ब्राइटनेस है वो 100 निट्स तक दी गई है और 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। तो काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है इस TV का। लेकिन दोस्तों जो बजट है वो काफ़ी आई थिंक बहुत ही हाई है, 2,70,000 रुपये का TV अगर आप लेंगे तो आई थिंक आई डोंट नो कि लेना चाहिए कि नहीं। लेकिन यही TV लॉन्च हो गया है हुआवे की तरफ से जो कि 2,70,000 रुपये का TV है। और वहीं पे बात करते हैं आज की पांचवी टेक न्यूज़ की, निकल के आ रही है तो वन प्लस की तरफ से। जो वन प्लस का 14 अप्रैल को लॉन्च इवेंट होने वाला है जिसमें वन प्लस 8 और 8 प्रो लॉन्च होने वाला है, उसी में हमको वन प्लस के नए बुलेट वायरलेस ईयरफोन्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसा कुछ पता चला है जिसमें लीक्स आए हैं कि जो इसके बुलेट ईयरफोन्स हैं ईयरबड्स जो भी होंगे वो लॉन्च होने वाले हैं 14 अप्रैल को। और साथ ही दोस्तों देखते हैं कि ये क्या स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं और किस प्राइस में आते हैं। जो इसके ऐसा बताया जा रहा है कि जो इनकी कैपेसिटी होगी, जो इनके बैटरी होगा दोस्तों 10 घंटे तक लगातार आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो अब देखते हैं 14 अप्रैल को क्या आता है वन प्लस की तरफ से। और वन प्लस 8 और 8 प्रो भी 14 अप्रैल को लॉन्च होने वाले हैं और वन प्लस का एक बुलेट वायरलेस ईयरफोन भी आने वाला। तो देखते हैं वन प्लस और क्या क्या लॉन्च करता है इन्हीं ईयरफोन्स और फोन के जो वन प्लस 8 सीरीज है उसके अलावा। तो आज की टेक्नोलॉजी में दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइए और अगर आप चैनल पर नए या फिर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपका कोई कमेंट या सुझाव तो दोस्तों नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ध्यान से बताइए। और मिलूंगा कल आपसे टेक न्यूज़ के एक नए अपडेट से दोस्तों। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज। जय हिंद, वंदे मातरम।